फुल धुंध के बावजूद भी घोड़ों को कुछ समय के लिए तो आपको बाहर छोड़ देना चाहिए ताकि वो भी अपनी तफरी कर लें। बेशक ये ठंड है तो ख़तरनाक, मगर कमरों में भी बंदे घोड़े कॉलिक का शिकार हो जाते हैं। हमारे ज़्यादातर कमरे वैसे तो मिट्टी वाले हैं, फिर भी उनमें घोड़े चल चल के उसको इतना सख्त कर देते हैं कि वो लेटने लायक नहीं रहते। सो उनको लेटने के लिए तो बाहर छोड़ना ज़रूरी है। और वैसे भी कहा जाता है कि एक बार घोड़ा लेट ले तो वो ताज़ा दम हो जाता है अगले सफ़र के लिए या अगले दिन के लिए। सुबह सुबह एक बार जब घोड़ों को छोड़ दिया जाए तो उनके मन में जो इस तरह लेटने की इच्छा है वो भी पूरी हो जाती है, जितना वो अपनी खुशी से भागना चाहे भाग भी लेते हैं। कई बार हम भी उनको थोड़ा बहुत भगा देते हैं। ये हमारी सिंधी घोड़ी जो अब शान हिंद से प्रेग्नेंट हो गई है और ये है सुल्तान। ऑलमोस्ट सभी घोड़े लेटते ज़रूर हैं। कुछ लोगों का मानना है कि घोड़े इस तरह से ठंड में बाहर निकाल के बीमार हो जाएंगे। मेरा मानना ये है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है वो तो अंदर खड़े खड़े भी बीमार हो जाता है। जितना हम हमारे घोड़ों को रफ़ एंड टफ़ रखेंगे उतना ही अच्छा है, और कैद करके रखने से अच्छा वो बीमार हो जाए। घोड़ा रूम्स में खड़ा खड़ा भी बीमार हो सकता है, उसको भी डिप्रेशन आता है, उसका भी दिल करता है कि उसकी एक जो रूटीन पहले से चल रही थी भागने दौड़ने की बाहर जाने की वो हो जाए। पिछले कुछ दिनों से लगातार धुंध है, टेम्परेचर 5 या 6 डिग्री हो जाता है और बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है। सो कब तक आप घोड़ों को कैद करके रखोगे, और इस सर्दी में बारिश भी बिल्कुल नहीं हुई है। सो एक सूखी ठंड, धुंध और कोहरे का जो एक अजीब सा माहौल बना है, तो घोड़ों को कैद आप कब तक करके रखोगे। दिलेर, जिसके भागने का अंदाज, जिसके राइडिंग का स्टाइल बिल्कुल अलग है, और इसका कैंटर और गैलप बहुत ही स्मूथ है। कई लोग कहते हैं कि ये काठियावाड़ी घोड़ा है, तो नहीं, ये कोई काठियावाड़ी घोड़ा प्योर नहीं है। इसका कोई दादा या परदादा कहीं ना कहीं उसमें काठियावाड़ी का इन्फ्लुएंस होगा। ये हमारे पीटल बकरे, इनकी संख्या अभी 24 है, जस्ट ट्रायल के लिए कि क्या हम बकरे अच्छे से पाल सकते हैं, उनको तंदुरुस्त रख सकते हैं, उसके बाद कभी देखेंगे इस काम को बढ़ाने के बारे में। ये घोड़ी हैदराबाद से मेटिंग के लिए आई हुई है, शाने हिंद से इसको मेट कराया गया है, और ये कंफर्म प्रेग्नेंट होने के बाद यहाँ से वापस जाएगी। हम लोग बहुत सारी घोड़ियाँ समय समय पे स्टेबल करते हैं मेटिंग के लिए। जो घोड़ियाँ आसानी से घोड़ा नहीं मान रही और जो घोड़ियाँ बहुत दूर से आई हैं, उनको हम स्टेबल करके कंफर्म प्रेग्नेंट करा के भी वापस भेजते हैं। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, घोड़ों की सफाई बहुत ही ज़रूरी है, और ये एक स्टड फार्म का सबसे ज़रूरी पार्ट है और सबसे मुश्किल पार्ट है। ये है घोड़ी पावर हाउस। इस बछेरी का नाम अभी मुझे रखना है, और दिलेर, ये कलर कुमैत कलर ये मेरे इतने फेवरेट क्यों है, थोड़ी सी सफाई के बाद भी ये चमचमाने लगते हैं। वाइट और ग्रे कलर थोड़ा सा सफाई में मुश्किल होता है, सो इसलिए मैं तो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता। ग्रे तो फिर भी टॉलरेबल है, नुकरे घोड़े पालना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये घोड़ी कश्मीर से आई हुई है और ये अभी प्रेग्नेंट हो गई है, और इसकी भी जो भी वापसी है करीब 20-25 दिन बाद होगी, जब ये 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाएगी। मेरे ये दोस्त बहुत ही
अच्छा और हार्ड वर्क करते हैं ताकि घोड़े तंदुरुस्त और शाइनी रह सके। देव साहब, इनकी सफाई दिन में दो बार ज़रूर होती है। घोड़े की मालिश करना बेहद ज़रूरी है, जितना ही उसको दाना और मिनरल मिक्सचर दिलाने ज़रूरी हैं। नीचे मिट्टी साफ़ सुथरी डालते रहना चाहिए। अभी तो मैं लकी हूँ कि काफ़ी मिट्टी मेरे पास स्टोर पड़ी है, इसके बाद सोचना पड़ेगा इसका बदल क्या होगा। आने वाले समय में पंजाब में मिट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सब जो बड़े रोड्स निकल रहे हैं वो सारी हमारी जो मिट्टी है उसको निगल जाएंगे। मेरी एक रील के ऊपर किसी ने कमेंट किया कि इतनी ठंड में राइड से घोड़ा बीमार हो जाएगा, तो मैं उस भाई को बताना चाहूँगा राइड से घोड़ा ठंड में कभी भी बीमार नहीं होता। मैं पूरे दिन में करीब 15 किलोमीटर चल लेता हूँ। अगर मैं फार्म में रजाई में घुस के बैठ जाऊँ रूम में अपने, तो मेरा बाहर निकलने को दिल नहीं करता, और जबकि अगर मैं चलता रहता हूँ तो ठंड क्या होती है वो महसूस भी नहीं होता। सेम घोड़े के साथ होता है, घोड़े पे बैठ के ना तो आपको खुद को ठंड लगती है और ना ही घोड़े को ठंड लगती है। कुछ साल पहले तक जब मेरे पास समय ज़्यादा होता था और ये फार्म की जिम्मेवारी नहीं थी, तो परमगिल स्टड के ऊपर मैं जनवरी की ठंड में नए साल को भी सुबह 3 बजे उठ के भी राइड करता रहा हूँ, जब पे फुल धुंध होती है और ज़ीरो टाइप विजिबिलिटी होती है। ये घोड़ा बीमार हो जाएगा या ठंड लग जाएगी या मैं खुद बीमार हो जाऊँगा, ये बुढ़ापे के साथ, उम्र बढ़ने के साथ या अपनी कमज़ोरी हम छुपाने के लिए ये बातें सोचते हैं। बाकी अगर आप इच्छा करते हो, घोड़े को बहुत अच्छा खिलाते हो, उसकी केयर करते हो, बस ना पुतना, बस बस बस, तो ये बातें मामूली हैं। धीरे धीरे धीरे, आज की राइड दिलेर के साथ करीब 10 किलोमीटर की रही है। इस मौसम में हम ग्रुप राइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि धुंध की वजह से सब दोस्तों का आना मुश्किल है, और 2 दिन में तो हमारा हॉर्स शो और घोड़ों का मेला ही स्टार्ट हो जाएगा। इस पर अक्सर मेला परमिशन थोड़ी लेट मिली, मगर सरकार ने फिर भी घोड़े वालों पर मेहरबानी की है, और सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से जितना उनमें जोर था एजिटेशन भी किया, सिफारिशें भी लगवाई, तो सबका ही धन्यवाद है जिनकी वजह से ये मेला लग पाया। दिलेर भागता तो बहुत अच्छा है, मुश्किल है इसको रोकना, शायद आगे जाके ये धीरे धीरे और एक थोड़ा ठंडा समझदार घोड़ा बन जाए, जिसको रोकना भी उसके भगाने जितना ही आसान हो जाए। बस घोड़े, बस धीरे। अब कुछ लोग नीचे लिखेंगे कि ऐसे रस्तों पे मत जाओ, यहाँ सांप मिल सकता है। धीरे घोड़ा, धीरे घोड़ा, धीरे। सर्दियों में सांप धीरे होते हैं। आजकल सांपों से ज़्यादा खतरा इन आवारा कुत्तों का ही है। कई बार इनका झुंड आपके पीछे लगता है और बहुत दूर तक आपका पीछा वो नहीं छोड़ता। बस दिलेर की राइड का शाबाश दिलेर, एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि आप इस पे संभल के ही आपको बैठना पड़ता है और इसको रोक के रखना पड़ता है। बस वो कितना लंबा आप एक घोड़े को भगा पाओगे वो एक मुश्किल काम है। एक साइड से तो पहले मैं रोड क्रॉस कर गया, अब उसी रोड पे मुझे दोबारा क्रॉस करना है फार्म की तरफ जाने के लिए। ना पुतना, नॉर्मली मैं नहर पे राइड करता हूँ, अगर कभी कभार इसके लिए भी मैं राइड करने आ जाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपको कभी कभी सिटी में भी घोड़ा लेके जाना चाहिए, मगर मेरा मानना ये है कि लोग सिटी में घोड़ों के अभ्यस्त नहीं हैं, और कार सवार का कोई कसूर नहीं होगा अगर वो मुझे टक्कर मार देगा, क्योंकि वो नहीं समझता
कि ये घोड़ा है। घोड़ों को केवल और केवल घुड़सवार या घोड़ों से प्यार करने वाले ही सोच सकते हैं। बाकियों को तो शायद ये लगेगा कि ये इसको यहाँ लेके ही क्यों आया। तो हमारे ग्रुप की कोशिश है सिटी से दूर राइड करने की और हैवी ट्रैफिक को अवॉइड करने की। अब फार्म करीब 1.5 किलोमीटर ही बचा होगा। ये हमारे पास का गांव है महमूदपुर या महमदपुर। गांव बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए रास्ते यहाँ ज़्यादातर खाली मिलते हैं। इस पूरी राइड में केवल 2 किलोमीटर जो रास्ता है वो पक्का मिला। दोस्तों, हमें राइड करनी चाहिए, ठंड का बहाना नहीं बनाना चाहिए। और जो आपके वर्किंग हॉर्सेस हैं वो भी खड़े खड़े बोर हो जाते हैं और उनको भी चलना घूमना फिरना पसंद होता है। लास्ट कुछ राइड्स में दिलेर ने बिल्कुल ही वापस मुड़ने का जो इसका एक ट्रेंड था वो कम कर दिया है। आज की राइड में तो एक भी इसकी रिफ्यूज़ल नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये राइड को पसंद कर रहा है। जब आप एक घोड़े के साथ नए नए रास्तों पे अकेले राइड करके आ जाओ तो समझ लेना चाहिए कि घोड़ा अब आप पे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करने लग गया है। बीच बीच में मुझे इसको थोड़ा कैंटर देना पड़ता है क्योंकि ये पसंद करता है कि जल्दी जल्दी भाग भाग के ये सफ़र पूरा करे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मुक्सर मेले में और शो और मुक्सर का मेला जिसको लोग पूरा साल वेट करते रहते हैं। इंडिया के दो ही सबसे ज़बरदस्त मेले हैं पुष्कर और मुक्सर। श्री मुक्सर साहिब जो ऐतिहासिक नगरी है सिख इतिहास से संबंधित, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक धार्मिक मेला भी लगता है जिसमें हमारी निहंग सिंहों की जो फौज है वो भी अपने घोड़ों के साथ बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं और नेजाबाजी की जाती है। सो ट्रेडिशनल जो हमारे घुड़सवार हैं निहंग सिंहों की फ़ौज, उनको देखने के लिए भी श्री मुक्सर साहिब एक बहुत ही अच्छी जगह है। नीचे से पहले तंग खोलो, फिर ऊपर वाला बोल। क्या कह रहे हो? सुनने का अच्छा।